एक लेजेंडरी या मिथिक तो मिल जा। देखो जैसे ही बोला मिथिक सेट मिल गया, ठीक है, एक तो मिथिक मिल गया ऑलरेडी, लेजेंडरी अभी तक नहीं मिला, मिथिक मिल गया। ओके लेजेंड। अब भाई जैसे ही मैं बोल रहा तभी मिल जा रहा यार। हे गाइस कैसे हो आप सब। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग का जो नेक्स्ट रॉयल पास आने वाला बीजीएमआई का A2, उसका आरपी क्रिएट सब देखेंगे और थोड़ा बहुत हम लोग ओपनिंग करने वाले, क्योंकि पबजी मोबाइल के A2 रॉयल पास खत्म होने वाला है और बीजीएमआई के अंदर कुछ ही दिनों बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो चीज करने के पहले बीजीएमआई के अंदर एक छोटा सा कम्युनिटी इवेंट आया, काफी दिनों के बाद कम्युनिटी इवेंट आया, उसमें आप पार्टिसिपेट ले सकते हो। आज उसका आखिरी दिन है, चलो फटाफट से मैं दिखा देता हूँ कैसे ये कम्युनिटी इवेंट में आपको पार्टिसिपेट लेना है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में बीजीएमआई का ऑफिसियल इंस्टाग्राम का या पोस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप देख पाए इसमें लिखा हुआ हाउ विल यू यूज द स्पेक्टर स्लेयर सेट, शेयर योर स्ट्रेटजी एंड विन द रॉयल पास। तो इसे बोला जा रहा है कि जो हम लोग 100 लेवल का जो रॉयल पास आउटफिट है उसको आप कैसे यूज करोगे। आपको पता है ये जो आउटफिट 100 लेवल वाला ये कस्टमाइज होता है, मैं आपको दिखाया था खुद इंडियन फ्लैग का बना के, तो वैसे आप अलग अलग यूज कर सकते हो इसका मॉडिफिकेशन का। तो वही आप अपना थॉट्स बता सकते हो कि आप ये 100 लेवल का आउटफिट को क्या चीज़ के लिए यूज कर सकते हो। तो वैसे आप लिख के उसके बाद अपना UID नंबर, ठीक है, कैरेक्टर ID डाल देना है और आपको पोस्ट कर देना है। जैसे आप पोस्ट करोगे तो 100 बंदे को रॉयल पास मिलने वाला है, UC नहीं मिलने वाला, रॉयल पास मिलने वाला। जैसे कंटेंट क्रिएटर लोग को आता है ना रॉयल पास मेल बॉक्स में, वैसे आपको भी मेल बॉक्स में आ जाएगा। अगर आप लकी विनर रहेंगे तो 720 UC वाला रॉयल पास मिल जाएगा। तो आप अपना लक ट्राई कर सकते हो, जीतो नहीं जीतो फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको लिखना है 100 लेवल का आउटफिट को क्या यूज़ करोगे, कैसे आप उसको कस्टमाइज करोगे, इतना लिखना है, अपना कैरेक्टर आईडी दे देना और ऑटोमेटिकली अगर आप लकी विनर रहेंगे तो आपके मेल बॉक्स में आपका रॉयल पास आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया। और आज का दिन पूरा आखिरी दिन है, क्योंकि इधर आप देख पा रहे 10 सितंबर 11:59 PM, मतलब आज पूरा दिन, जैसे 12 बजेगा और 11 तारीख हो जाएगा तो ये इवेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेक श्योर कीजिए अभी जाके वीडियो देखने के बाद ये चीज़ कब कर लीजिए, ऑलमोस्ट 12 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा बचा हुआ, तो आप फटाफट से आप जाके ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इतना ही है, अभी हम लोग आते हैं A2 रॉयल पास के अंदर। तो गाइस सबको पता है कि बीजीएमआई के अंदर यही रॉयल पास नेक्स्ट वाला आने वाला है और उसमें जो आरपी क्रिएट आप देख पा रहे ये आपका होने वाला है और इसमें जो आउटफिट आप देख पा रहे ये सब चीज़ आपको मिलने वाला है। तो आज इसका हम लोग ओपनिंग करेंगे, क्योंकि पबजी मोबाइल के अंदर जो A2 रॉयल पास है वो खत्म होने वाला है और A3 आने वाला है, तो इसलिए हम लोग देखने वाले आज की A2 रॉयल पास हम लोग कुछ मिलता है कि नहीं। जब बीजीएमआई आएगा A2 रॉयल पास का ओपनिंग, उसमें हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे कि बीजीएमआई वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दे रहा है या पबजी वाला, ठीक है। तो जिधर आप देखो, सबसे पहले तो हम लोग का काम ये करना पड़ेगा कि हम लोग को सबसे पहले मिनी मटेरियल निकालना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप कुछ चीज़ कीजिएगा, क्योंकि उस दिन बाद A1 रॉयल पास का भी हम लोग का क्रेट ओपनिंग करना होगा, उस टाइम आपको भी ये चीज़ करना है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं परचेज, ओके करते हैं और इधर आप देख पा रहे हैं मिनी मटेरियल मिल चुका है, तो ठीक है, ओके डन। उसका सेकेंड जो लेना है हम लोग का आउटफिट, जो अपग्रेडेबल कार्ड आता है वो हम ले लेंगे 2, ठीक है, और ये 2 चीज़ सबसे पहले लेना और उसके बाद जाके आप कुछ भी चीज़ ले सकते हो। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपको ये चाहिए पेंट चाहिए तो बीपी गन से पेंट ले सकते हो, या आप इधर से पेंट ले सकते हो। अगर आपको अपग्रेडेबल गन बहुत सारा है, आपको पेंट नहीं मिल रहा, तो आप इधर से ले सकते हो। पैराशूट तो गलती से भी मत लेना, और उसके बाद आप देख पर अगर आप ये लेना चाहते हो तो UC से आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग डायरेक्टली क्रेट ओपनिंग करेंगे। आप लोग कमेंट करना कि पहले जो एयर ड्रॉप एडवेंचर RP एडवेंचर आता था वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको अभी वाला जो A1 का जो क्रेट ओपनिंग है, केवल क्रेट ओपनिंग तो उसमें भी था, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग ओपनिंग करते हैं। तो इधर 5165 बोल सकते हो आरपी पॉइंट है, तो चलो ओपन क्रिएट करते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हो कि आप सबसे पहले AG करेंसी से बैंड लगा सकते हो, तो ये ऑलरेडी बैंड लगा हुआ है और उसके साथ इसको काट देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है, आरपी पॉइंट में। तो हम लोग आरपी पॉइंट में आ चुके हैं, तो चलो एक बार हम लोग सोलो खोलते हैं, उसका 10-10 ओपन करेंगे, ठीक है, देखते कुछ मिलता है कि नहीं। सिल्वर, लेट्स गो। चलो फिर ओपन करते हैं, देखते कुछ मिथिक मिलेगा कि नहीं इस बार। पिछले बार A1 रॉयल पास वालों को मिथिक मिला था, तो अभी हम लोग 10 ओपन कर रहे हैं, देखो क्या आता है। ओके इस बार क्या आया, इस बार केवल एक एपिक आउटफिट आया जो कि फर्स्ट टाइम मिला, चलो नाइस। और 10 बार हम लोग ओपन करेंगे, लेट्स गो, देखते क्या होता है। तो जितना भी आइटम आप देख पा रहे A2 रॉयल पास में हम लोग को भी देखने को मिलेगा। फिर से हम लोग एपिक आउटफिट मिला दोनों, बट कोई भी लेजेंडरी कोई भी मिथिक हम लोग को नहीं मिला। अनदर 10, देखते क्या होता है, कुछ अच्छा मिल जाए यार, लेट्स गो। ओके फिर से बेकार वाला हुआ। इसमें ये जो आउटफिट है लगातार मिल गया 3 बार, और ये आप पैरासूट हम लोग एक बार मिल चुका है और इस बार आप देख पा रहे ये मिल चुका है। तो इस बार तो भाई क्रेट ओपनिंग बेकार से जा रहा है। चलो और 10 बार खोल लेते हैं, देखते क्या मिलता है। एक लेजेंडरी या मिथिक तो मिल जा,
देखो जैसे ही बोला मिथिक सेट मिल गया, ठीक है, प्योरिटी डिफेंडर सेट। भाई ऐसे अगर मेरा बात सुनने लगा तो भाई मेरे पास क्या कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देते हैं। तो और इधर आप देख पा रहे हो मिथिक एक यूजी का स्किन और वापस से वो चीज़ मिल गया। चलो नाइस। ए सीरीज का ये फायदा है कि आप लोग भी अच्छा खासा क्रेट ओपनिंग कर सकते हो, क्योंकि भाई आरपी पॉइंट बहुत ज़्यादा मिलता है और आप भी अच्छा खासा ओपनिंग कर सकते हो। पहले वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि लिमिट में ही आरपी पॉइंट मिलता था, बट इसमें लिमिट नहीं होता तो इसलिए आप आराम से अच्छा खासा ओपनिंग कर सकते हो, ठीक है। लेट्स गो अनदर 10, देखते क्या मिलता है। एक तो मिथिक मिल गया ऑलरेडी, लेजेंडरी अभी तक नहीं मिला, मिथिक मिल गया। ओके लेजेंड, अब भाई जैसे ही मैं बोल रहा तभी मिल जा रहा यार। तो इधर आप देख पा रहे ये हम लोग का हेलमेट मिल चुका, अल्टीमेट ट्रेंस्टर हेलमेट। तो इधर हम लोग क्लिक करते हैं और वापस से ये आउटफिट तो मिल ही रहा कंपलसरी, हर एक 10 ओपनिंग में हम लोग का आउटफिट मिल रहा। लेट्स गो अनदर 10, देखते क्या होता है। सर मिथिक भी मिल गया, लेजेंडरी मिल गया, नॉइश। ओ भाई लिटरली सेकेंड मिथिक मिल गया। इधर आप देख पा रहे ब्लैक विंग आउटफिट, तो ये लेके हम लोग A1 रॉयल पास में ओपनिंग किए थे, A2 रॉयल पास में, दोनों क्रेट ओपनिंग जो हम लोग पबजी मॉल में किए दोनों में ही हम लोग को मिथिक मिला, और इस बार तो डबल मिल गया भाई, नेक्स्ट लेवल। लिटरली इस तरह का अगर बिजामा के अंदर ओपनिंग होगा तो भाई अलग ही बात होगा, वो चीज़ तो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हम लोग को 2 मिथिक 1 लेजेंडरी मिल चुका है, एपिक तो छोड़ो बहुत सारा मिला। अभी सोलो खोलते हैं, देखते कुछ मिलता है कि नहीं। ये मिला, चलो एक और बार होगा, नाइस। तो भाई अच्छा क्रेट ओपनिंग हो गया भाई, मजाक में इतना अच्छा क्रेट ओपनिंग हो गया। इधर आप देख पर एक मिथिक ये मिला, हेडगियर हटाते इसका, ये मिल गया जो कि है सीजन 15 का, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है मंथ 11 का, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक हेलमेट भी हम लोग को मिला ये वाला, ठीक है। तो यही था क्रेट ओपनिंग में, काफ़ी अच्छा क्रेट ओपनिंग हो चुका है, 2 मिथिक 1 लेजेंडरी बाकी एपिक आइटम। तो मैं तो बोलूँगा काफ़ी बेहतरीन है, 5000 का बोल सकते पॉइंट में आपको अच्छा खासा चीज़ मिल सकता है अगर लक ओपी रहा था, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।